अहमदाबाद मंडल में जगह जगह चोरी छुपे रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर पुलिस प्रशासन या प्रशासन द्वारा चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने SSP को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें चोरी छुपे रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्यवाही की मांग की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायती पत्र के माध्यम से कहा कि मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के गेट के आसपास लाइन पर केल्टन स्कूल से प्रकाश नगर चौराहे के बीच फुटपाथ क्षेत्र में कुछ अपरिचित विदेशी लोग अस्थायी रूप से योजनाबद्ध रूप से बस गए हैं, जिनकी वेशभूषा व चेहरा मोहरा तथा भाषा स्थानीय प्रतीत नहीं होती। पूछने पर अपना नाम कभी कुछ बताते हैं व लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ लोग मुख्य पोस्ट ऑफिस में अपना आधार कार्ड बनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मोदी नगर में विदेशी लोगों ने आतंक मचा रखा है। सरकारी जमीनों को अवैध कॉलोनी बसा रखी है, जो कई बार प्रदेश के मुख्य अखबारों में खबर प्रकाशित हो चुकी है, तथा शिकायत पत्र के माध्यम से बजरंग दल अज्ञात रोहिंग्या विदेशियों पर कार्यवाही की मांग करते हैं। समस्या यह है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो देश में भिन्न भिन्न कोनों में फुटपाथों पर बस्तियां बना करके रहते हैं, देश में उस कारण चोरी की घटनाएँ आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही हैं, तो प्रशासन से हम ये मांग करने आए हैं कि इस चीज़ को ध्यान में लेकर जो रोहिंग्या मुस्लिम या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको पहचान करके, उनका पहचान पत्र, उनकी पहचान देख करके उनको जेल भेजा जाए, जिससे जो आपराधिक घटनाएं वो रुकें। सर, मुरादाबाद में किन किन जगहों पे ये लोग हैं और मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन प्रकाश नगर पे जो फुटपाथ है उस पर रहते हैं, और मंदिरों के आगे भी ये लोग अपनी पहचान छुपाकर और भिखारियों के भेष में ये पड़े हैं, तो इन सभी जगहों पर जहाँ मंदिर। किस तरह की कार्रवाई के लिए आप SSP मिलेंगे? इन लोगों को उठाया जाए, इनकी पहचान की जाए और निश्चित पहचान करके इनके देश भेजा जाए, जेल भेजा जाए। इन लोगों ने कुछ स्थानों को हमने चिन्हित भी करा है और चिन्हित स्थानों के फोटो भी लिए हैं। समस्त फोटो SSP